पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रदेश के 23,000 से अधिक जनजाति लोगों को पट्टा दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन लोक कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और अभी तक भाजपा सरकार ने 3,00,000 से अधिक जनजाति भाई बहनों को पट्टा आवंटित कर दिए हैं। आज हमने हमारे वो जनजाति भाई और बहन जिनके बरसों से ज़मीन पर कब्जे थे, पट्टे नहीं थे, तो वनाधिकार उत्सव मनाया और आज 23,000 ऐसे भाई बहनों को पूरे प्रदेश में वनाधिकार के पट्टे प्रदान किए गए। वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अब तक 3,00,000 से ज़्यादा पट्टे हम वितरित कर चुके हैं, जिसमें 30,000 सामूहिक दावे के पट्टे हैं और 2,70,000 व्यक्तिगत पट्टे हैं। लेकिन केवल पट्टा नहीं दे रहे हैं, कुआ या तालाब बनाने के लिए हम उनको, ताकि खेत में सिंचाई हो सके, वो सुविधा हम उनको दे रहे हैं। फिर वनाधिकार के पट्टे जिनके पास है उनको 0% ब्याज पर कर्जा भी देंगे, फसल बीमा योजना का लाभ भी देंगे, RBC 6-4 के नियमों के अंतर्गत बाकी सहायता भी उनको देंगे और पट्टेधारी भाई बहनों के पास भी मकान हो, गैस कनेक्शन हो, मकान में बिजली हो, पीने का पानी हो, यह अभियान चलाकर भी उनकी जिंदगी बदलने का काम करेंगे। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।